अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहा जाता है डिसेबिलिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर। और कल पार्ट वन में जो बात हुई थी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को हासिल किस तरह से करना है, तीन स्टेप बताए थे। कि पहला स्टेप होता है कि आप लोगों ने विजिट करना है सोशल वेलफेयर का ऑफिस, अपने हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिलाई ऑफिस है, ये तहसील में भी होते हैं, लेकिन ये काम जो है डिसेबिलिटी का वो सिर्फ ज़िले में ही होता है, जो इनका ज़िले का हेड ऑफिस होता है सोशल वेलफेयर का, बैतुलमाल का। दूसरी बात, पंजाब बैतुलमाल है, सोशल वेलफेयर एंड पंजाब बैतुलमाल। तो इसके अलावा जो है वो आपको कहा गया था कि आपने जाकर मिलना है सोशल नीड्स ऑफिसर से, वो आपको जो है वो गाइड करेंगे, फॉर्म देंगे, फॉर्म की आपने रजिस्ट्री करवानी है, वहाँ से रजिस्ट्री करवा के आपको एक डेट दे देंगे, जो कि बोर्ड बैठता है सिविल, जो डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल होता है वहाँ पे जाके, THQ में नहीं DHQ में जो है वो बैठता है। तो वहाँ पे आपने जाके अपना, अपने आपको बोर्ड के, मेडिकल बोर्ड के सामने रिप्रेजेंट करना होता है। वहाँ पे आपको टेस्ट वगैरह जो भी लिख के देते हैं वो अपने डॉक्टर्स को चेक करवा के आपने सोशल वेलफेयर में जमा करवा देने हैं। वहाँ पे जाके जो ही वो सोशल वेलफेयर वालों के पास दोबारा पहुँचेंगे तो वो उसकी असेसमेंट करके उसका एक सर्टिफिकेट टाइप करके आपको सिग्नेचर करके दे देंगे। अगर आप डिसेबल हुए तब भी, अगर नॉट रिजेक्टेड हो गया केस आपका तब भी। अगर इसमें ये सारा इसका प्रोसीजर होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को हासिल करने का। दूसरी बात ये बड़ी अहम है कि अगर आपकी रिजेक्शन ज़िले में हो जाती है तो आप उसके बाद भी अपील कर सकते हो। आप PCRDP को विज़िट कर सकते हो, लाहौर में बोर्ड बैठता है, तो वहाँ पे आप जो है वो रابطہ कर सकते हैं उनके साथ और वहाँ पे अप्लाई करके उस बोर्ड के सामने भी पेश होकर अपनी डिसेबिलिटी को शो करवा सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट कर देता तो उसके बाद NCRDP रह जाता है, NCRDP में आप अप्लाई करें, अगर वहाँ से भी रिजेक्शन हो जाती है तो फिर आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं बन सकता। वैसे तो ज़िले तौर पे जो इंस्पेक्शन हो जाती है तो वहीं पर ही आपको बता दिया जाता है कि आप एबल हो, डिसेबल हो या नहीं हो। तो ये एक सारा प्रोसीजर है। अब आज का जो इस टॉपिक में मैंने डिस्कस करना है वो था फैसिलिटेशन सेल, जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसेबल के लिए बनाया गया। सहूलत सेल भी इसे कहा जाता है। ये इसमें मेंबर्स हैं, सबसे पहला मेंबर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर साहब खुद हैं, उसके बाद एक सोशल वेलफेयर अफसर है और तीन कैटेगरी के डिसेबल लोग इसमें शामिल हैं और एक फोकल पर्सन है जो इसमें जो है वो शामिल है। और ये कमेटी बनाई गई है ताकि इसको डिसेबल्स को फैसिलिटेट किया जाए। इस विंग का, इस फैसिलिटेशन सेल का काम क्या है कि आपको सर्टिफिकेट्स बनाना, आपके सर्टिफिकेट्स में कोई इशू होता है तो उसमें डीलिंग करना, आपको जिस तरह की भी डिसेबिलिटी है उस हवाले से आपको फैसिलिटेट करना, एड्स वगैरह जितनी भी हैं आपको देना, आला समात हो गया, जितनी भी आपकी चीज़ें डिसेबल्स की जो हैं वो अफोर्ड किया जा सकता है, कान का आले से लेके जो है वो स्टिक्स तक जो है वो आपको प्रोवाइड करना, क्रचेज वगैरह भी आपको प्रोवाइड करना। तो ये फैसिलिटेशन सेल ये बनाया गया था कि जिसमें डिमांड्स को नोट किया जाता है डिसेबल्स की। आप जब भी विजिट करें डिसेबल लोग तो सोशल वेलफेयर में, तो वहाँ फैसिलिटेशन सेल में जो है वो लाजमी मिले, उन्हें अपनी डिमांड्स जो है वो नोट्स करवाएं, नोट करने के बाद वो आपकी डिमांड जिस तरह भी हो वो पूरी करेंगे, आपका केस जो है वो आगे बढ़ा के। इसके अलावा जो इसका एक बड़ा प्राइम फंक्शन है वो है नीड असेसमेंट आपकी, कि आपको ज़रूरत क्या है, आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है तो किस लिए बनाना है, वो सारी नीड्स को असेस करके फिर जो है वो आपका एक पूरा केस जो है बना के अपने पास सेव कर लेते हैं। तो ये आज का जो है वो टॉपिक मुकम्मल हो जाता है फैसिलिटेशन सेल का और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को गेट कैसे करना है। अब आगे हम बात करेंगे, एक कमेटी बनी हुई है 3% डिसेबल कोटे के हवाले से, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और प्राइवेट डिपार्टमेंट में जॉब्स के हवाले से बनी हुई है। तो डिसेबल्स लोग जिनको जॉब्स की प्रॉब्लम रहती है कि नौकरी किस तरह से हासिल करें, तो वो इस 3% कोटे की कमेटी जिसमें डिप्टी डायरेक्टर साहब होते हैं सोशल वेलफेयर के और एक सोशल वेलफेयर अफसर होता है, फोकल पर्सन होता है डिसेबल्स का और तीन कैटेगरी के डिसेबल्स लोग मेंटोर्स ही होते हैं उसमें भी शामिल, तो वो क्या करते हैं कि वो आपके लिए आपकी सीवीज, आप रिज्यूमे अपनी सबमिट करवाते हो और आपकी सीवीज मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में जो रजिस्टर्ड होती हैं सोशल सिक्योरिटी से, उनमें 3% कोटे की डिमांड को पूरा करते हैं, वहां पर आपको सेट करवा सकते हैं। इसके अलावा
जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जो भी फैसिलिटीज आती हैं, जो भी नौकरियां आती हैं, उसमें आपको जो है वो एडजस्ट करवाते हैं, करवाने के लिए मीटों से कि आपकी दरखास्तें देते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वो सिफारिशात भी कर देते हैं, उनके अंडर होती हैं, वो उनकी बात भी मानते हैं। तो डिसेबल्ड लोग नौकरियों के हवाले से जो परेशान है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि 3% कोटे पे जो है वो काम किया जा रहा है। तो 3% कोटे के पहले 1% कोटा था, 3% कोटा हो चुका है। तो आप लोग वहां पे अपनी सीवी सबमिट करवा के अपनी नौकरी को हासिल कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटेशंस जो थी, इस तरह ये सर्टिफिकेट जब आप हासिल करते हैं तो ये दो सेल से आपका जरूर रापता होना चाहिए, एक तो फैसिलिटेशन सेल से और दूसरा जो है आपका होना चाहिए 3% कोटे पे। फैसिलिटेशन सेल में आपको माली इमदाद भी मिलने के चांसेस होते हैं, जो ही गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स आते हैं तो माली इमदाद भी आपकी की जाती है। 3% कोटे में सिर्फ और सिर्फ नौकरियों के हवाले से काम किया जाता है और आप अपनी नौकरी के लिए जो है वो वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, वीडियो आगे भी टॉपिक्स पे चलती जाएंगी और आप कभी भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट के तमाम डिसेबल्ड लोगों तक ये पहुंचे और हम लोगों को पता चलेगा हमने कम्युनिटी किस तरह से कम्युनिटी डेवलप करके किस तरह से हम अपनी वेलफेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।